और दोस्तों, मैं हरेंद्र बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं गूगल पिक्सल के बारे में, पिक्सल के जो नए फ़ोन आने वाले हैं। तो ये कहा जा रहा है कि मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन है गूगल की तरफ से, गूगल पिक्सल A3 एंड पिक्सल A3 XL। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस फ़ोन के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में, किस तारीख को ये अवेलेबल होगा इंडिया में सेल के लिए, और बात करेंगे इस फ़ोन के प्राइस के बारे में। तो जाहिर सी बात है, फ़ोन की अनबॉक्सिंग मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फ़ोन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके पास में जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक या डिसलाइक आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। यदि डिसलाइक करें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि क्या रीज़न है आप वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि हम हमारे आगे आने वाली वीडियो को उसे इम्प्रूव कर सकें। तो आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं इसके गूगल पिक्सल 3A के बारे में और 3A XL के बारे में, क्या क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन हमें मिल पाता है और क्या ये सच में जो है मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन है। वैसे बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो इस फ़ोन के अंदर जो पिक्सल 3A है उसके अंदर हमें मिल पाती है 5.6 इंच की डिस्प्ले हमें मिल पाती है, और गूगल पिक्सल XL के अंदर हमें मिल पाती है 6 इंच की जो है डिस्प्ले इसके अंदर हमें मिल पाती है। फुल HD G OLED डिस्प्ले इसके अंदर हमें मिल पाती है। इसकी यदि बात करें तो इसके अंदर जो है हमें कोई भी नोच या पंच होल डिजाइन या पॉपअप सर्फिक कैमरा ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। इनके यदि प्रोसेसर की बात करें तो हमें स्नैपड्रैगन 670 का प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिलता है गूगल की तरफ से स्मार्टफोन, और इसके अंदर प्रोसेसर की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं 670 प्रोसेसर मेरे को लगता है काफ़ी अपडेटेड प्रोसेसर है। यदि देते तो स्नैपड्रैगन 855 तो कम से कम देते, ताकि एक फ्लैगशिप फ़ोन तो ये हो पाता। और यदि बात करें इस फ़ोन के, तो इस फ़ोन के अंदर हमें मिल पाएगा 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ। कोई मेमोरी कार्ड स्लॉट इस फ़ोन के अंदर हमें नहीं मिल पाएगा, बड़े ही खेल की बात है, लेकिन 3.5 mm ऑडियो जैक इसके अंदर हमें मिल पाएगा। इसके कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके अंदर हमें रियर के अंदर मिल पाएगा ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप जो है 12.2 MP का इसका कैमरा सेटअप होगा। यदि सेल्फी कैमरा की बात करें तो 8 MP का इसके अंदर जो है हमें सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा दोनों ही फ़ोन में। और यदि बात करें इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर हमें मिल पाएगी 3000 mAh की बैटरी गूगल पिक्सल 3A के अंदर। और यदि बात करें हम पिक्सल 3A XL के अंदर, तो इसके अंदर हमें मिल पाएगी 3700 mAh की बैटरी, क्योंकि इसकी जो है साइज ज़्यादा है तो इसकी कम बैटरी भी हमें थोड़ी सी अच्छी मिल पाती है। और यदि हम बात करें इसके अंदर, तो हमें बिल्कुल मिल पाती है 18 वाट की जो है फास्ट चार्जिंग हमें इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल पाती है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, ये फ़ोन जो है इंडिया के अंदर अवेलेबल हो पाएगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आपको अवेलेबल हो जाएगा 15 मई से। सबसे ज़रूरी बात इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। जैसा कि कहा गया है मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन, तो इस मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन की प्राइस है गूगल पिक्सल 3A की मात्र 39,999 रुपये, और पिक्सल 3A XL की प्राइस है 44,999 रुपये। तो मेरे को बताइएगा ज़रूर आप जो है इस प्राइस रेंज के अंदर ये फ़ोन क्या खरीदना पसंद करेंगे। आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। मेरे को नहीं लगता ये फ़ोन इंडिया के अंदर चल पाएगा इस स्पेसिफिकेशन के साथ। बाकी आपका क्या मानना है, क्या आप गूगल का पिक्सल 3A मोबाइल खरीदना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वैसे आपको बता दूँ इस प्राइस रेंज के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे स्मार्टफोन जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो हमें स्नैपड्रैगन 750 प्रोसेसर के साथ जो है देखने को मिल जाएंगे, जिनके अंदर हमें 6 GB रैम 12 GB रैम तक भी हमें देखने को मिल जाएगी। यदि बात करें यदि इसके कॉम्पिटिटर, तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि कॉम्पिटिशन तो कोई बनता ही नहीं है। यदि आप खर्च करते हैं तकरीबन 50,000 रुपये, और वैसे अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जिनके थ्रू आप मंगा सकते हैं, लाइक JD.com के थ्रू आप मंगा सकते हैं लिनोवा Z6 Pro। मेरे ख्याल से 50,000 रुपये के अंदर आपको जो उसके अंदर स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा, आपको रियर के अंदर 4 कैमरा का सेटअप आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, नोच आपको मिल जाएगी, और क्या मिलेगा, हाँ 12 GB रैम और 556 GB स्टोरेज वेरियंट आपको मिल जाएगा। बताना किसी को, गूगल वालों को बिल्कुल नहीं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, डिसलाइक करना है डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।